Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. तृणमूल सांसद और बंगाली अभिनेत्री नुसरत जहां की नई तस्वीरें सामने आई है। इनमें वे प्रेग्नेंट दिख रही हैं। निखिल जैन से अलगाव के बाद से ही नुसरत जहां की प्रेगनेंसी की खबरें भी सामने आ रही थी। अब ये खबर कंफर्म हो गई है। दरअसल नुसरत की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो बेबी बम्प के साथ दिख रही हैं। एक फोटो में वो अभिनेत्री श्यामती चैटर्जी के साथ खड़े दिख रही हैं। एक्टर और पॉलिटिशियन यशदास गुप्ता से रिलेशन की खबरों के बीच निखिल जैन ने बड़ा बयान दिया है कि यह बच्चा उनका नहीं है। नुसरत और यश ने बंगाल फिल्म SOS कोलकाता में साथ काम किया था। यह फिल्म पिछले साल ही रिलीज हुई थी। निखिल ने पहले कहा था कि शादी के बाद से नुसरत के व्यवहार में बदलाव आ गया था। इससे पहले नुसरत ने निखिल पर अपने अकाउंट से पैसे निकालने का आरोप लगाया था। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि वो जो आपको अपने आप को अमीर कहता है, जो कहता है कि मैंने उसका इस्तेमाल किया, उसने मेरे अकाउंट से गलत तरीके से पैसे निकाले। गलत तरीके से मतलब मेरे सेपरेशन के बाद भी उसने रात के वक्त अकाउंट से पैसे निकाले थे। मैंने ये मामला बैंक अधिकारियों के सामने भी रखा और इसे लेकर जल्द ही पुलिस कंप्लेंट की फाइल भी की जाएगी। निखिल ने आरोप को नकारा, 9 पॉइंट में अपनी सफाई दी है। नुसरत के आरोपों का उनके पति निखिल जैन ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए 9 पॉइंट्स में अपनी सफाई पेश की है और नुसरत के आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया है। पहला है कि नुसरत के लिए मैंने बहुत कुछ किया। दूसरा, उन्होंने किया है कि शादी रजिस्टर कराने से इनकार करती रही। तीसरा है कि 2020 से व्यवहार में बदलाव आया। चौथा, प्यार न होने के बाद भी प्रपोज किया। 5 नवंबर 2020 को नुसरत ने घर छोड़ दिया। वो अपने साथ सभी डॉक्यूमेंट्स ले गई। आरोपों के बाद मुझे चीज़ें पब्लिक करनी पड़ी। पैसों की गड़बड़ी का आरोप गलत है। बैंक स्टेटमेंट में सब देखा जा सकता है। 2 साल पहले हुई थी शादी। निखिल और नुसरत की शादी तुर्की में 19 जून 2019 को टर्किश मैरिज रेगुलेशंस के आधार पर हुई थी, जिसके कारण ही नुसरत ने निखिल से अपने सेपरेशन के लिए तलाक का आवेदन देने से मना कर दिया था। नुसरत का कहना है कि तुर्की का कानून भारत में मान्य नहीं है, इसलिए उनकी शादी की भी यहाँ कोई मान्यता नहीं है। वे निखिल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.